निसार की मिसाल है। कुर्बानी हुसैन करते हैं आओ मिलके सना खानी हुसैन। फर्जंदे फातिमा ने वहीं घर बना लिया की अर्जे करबला ने यूं मेहमानिए हुसैन। इब्ने ज़ियाद और शिम्र तो मिलते हैं आज भी, इब्ने ज़ियाद और शिम्र तो मिलते हैं आज भी, लेकिन नहीं जहां में कोई सानिए हुसैन। वक्त आरज़ी थी हकूमत यजीद की, ऐ बरकरार आज भी सुल्तानिए हुसैन। जमीन आसमान में, जमीन आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। बोलो खुदा के इस जहान में, वल्ला खुदा के इस जहान में, खुदा के इस जहान में हुसैन। हुसैन सा कोई नहीं, वो जिसके नाम पे नब्जे हयात चलती है। रुबाई है पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह इमाम अली मकाम में क्या लिखते हैं, कैसे रकम तराज है। वो जिसके नाम पे नब्जे, वो जिसके नाम पे नब्जे हयात चलती है, जमीन का जिक्र ही क्या कायनात चलती है, जमीन का जिक्र ही क्या कायनात चलती है। ये बात जहन में रखिए कि जबर के आगे अगर हुसैन चलाए तो बात चलती है। हुसैन सा कोई नहीं, बोलो हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन। आपके ज़ौक को देखते हुए आखिरी दो शेर लेकिन बड़े खूबसूरत शेर। लिखेगा कौन इस तरह, शहादतों की दास्तां, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। क्योंकि हाँ किसी के खानदान में, किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा। करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहां, सोचने की बात। आखिरी शेर सोचने की बात, समझने की और अपने दिल में जगह देने की बात। और अपनी जिंदगियों को अल्लामा साहब जो खिताब फरमा रहे थे लुब्बे लुबाब जो आखिर में था कि अपनी जिंदगियों को इमाम अली मकाम की डगर पे चलाने की जरूरत है, अपने एहतसाब करने की जरूरत है। करेगा कौन सामना
हूं कि हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई